नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। किसकी तरफ से? मुंबई बीजेपी प्रोफेशनल सेल की तरफ से, महासेवा हमारा सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दोस्तों, और साथ ही कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की तरफ से। ये कंज्यूमर का गाइड कर रहे हैं हम, कंज्यूमर तमाम जो उपभोक्ता है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय दोस्तों। टेनेंसी एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 कैसा है, ये तमाम बताने के लिए हमारे साथ आज कीनोट स्पीकर मौजूद है। तो इस खास वेबिनार में बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत है दोस्तों। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में निश्चित ही आप सभी चेहरे पर मुस्कान आई होगी दोस्तों। आज विशेष वेबिनार है, स्पेशल वेबिनार है, ये वेबिनार है दोस्तों मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020। तो दोस्तों इसमें मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, और आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूंगा कि आज का आपको मैं डिटेल बता दूं प्रोग्राम की। आज के इस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं श्री कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास और गृह निर्माण महत्वपूर्ण खाते हैं, राज्य मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में कैसा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 बना है इसकी महत्व जानकारी देंगे सरकार की तरफ से। और श्री कैलाश विजयवर्गीय जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, और पूरे देश भर में बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और विशेष हमारे जो अतिथि हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी की अध्यक्षता में, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष हैं और आमदार हैं, मुंबई के लिए आवाज उठाते रहते हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे आज के किस विशेष कीनोट स्पीकर जिसपे पूरे हमारे वेबिनार का दारोमदार है, श्री एडवोकेट भरत जोशी साहब, तमाम लोगों का स्वागत है इस खास वेबिनार में दोस्तों। तमाम लोगों का और खास तौर पे हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनका बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करना चाहूंगा। भरत जोशी जी, एडवोकेट भरत जोशी जी बड़े ही ज्ञाता हैं इन तमाम मामलों के दोस्तों, और इनका स्वागत ना हो तो ये वो होगा विधिवत। तो मैं यही कहूंगा इनके बारे में कि प्रसिद्ध शकील आजमी साहब की बड़ी फेमस लाइन है, मोटिवेट लाइन है, और आज भी इन्होंने ठान लिया है कि जो एक्ट है टेनेंसी एक्ट, इस बारे में किस लोगों से अवेयर करना है, एजुकेट करना है। तो इनका स्वागत है भरत जोशी जोशी साहब का। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, आपने यहाँ पर मान लिया तो आपकी हार हो गई। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और दोस्तों इस अवेयरनेस में आप सभी का आना, और आप मौजूद हैं और भरत जोशी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं आगे के स्वागत के लिए और फॉर्मेलिटीज के लिए मैं शैलेश गेड़िया जी को इन्वाइट करूंगा। महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत बधाई हो। आज का जो लाइव सब्जेक्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट, हमारे बीच उत्कृष्ट स्पीकर भी श्री एडवोकेट भरत जोशी जी, और कुछ ही क्षणों में हमारे मंत्री जी हाउसिंग मिनिस्टर हाउसिंग मंत्री जी वो भी भरत जोशी करने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो नेशनल बीजेपी सेक्रेटरी है वो भी ज्वाइंट हो रहे हैं, और हमारे बीच आज उद्योग मुंबई भारतीय जनता पार्टी उद्योग सेल के प्रेसिडेंट है शंकर भानुशाली जी, वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। शंकर भानुशाली जी कैसे हो जी? मुंबई भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के अध्यक्ष संजीव पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही मुंबई भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष आरती साठे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और एक आज बड़े खुशी की बात भी मैं बता देता हूं कि हमारे मित्र और चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन
अध्यक्ष हमारे साउथ मुंबई जेपी प्रोफेशनल सेल के जो अध्यक्ष है, कुछ ही दिनों पहले बहुत खुशी की बात आप सभी को बताता हूँ कि हमारे मित्र श्री आलोक मेहता चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष के तौर से चुने गए, मैं उनको बहुत हार्दिक ये अभिनंदन देता हूँ। आलोक जी वेलकम टू यू एंड बहुत ही आपको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो, हमेशा आप प्रगति करते रहिए और यही हमारे आपको विनती है। टाइम पे आना 11 बजे। आज के मीटिंग में हमारे साथ में जुड़े है एडवोकेट सेजल शाह मैडम, बलवा रेल विधानसभा मुंबई प्रोफेशनल सेल। नमस्ते कौशल जी। नमस्ते। आपका बहुत ही हार्दिक नमस्कार और आपको हार्दिक बधाई हो। आपका नया कार्यभार संभाला है और बहुत ही आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और शुभकामनाएं हम देते हैं हमारे मुंबई बीजेपी प्रोफेशनल सेल की ओर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं सबसे पहले शैलेश जी चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद है इस खास मॉडल टेलेंसी एक 2021 कैसा होगा ये सब बताने के लिए विशेष वेबिनार में भारत सरकार और मोदी सरकार में विशेष भूमिका निभाने वाले यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कौशल किशोर जी का स्वागत करता हूँ बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। और हमारे साथ इंदौर से और इंदौर की आवाज और साथ में पूरे देश की दबंग आवाज कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी साहब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, तो दोनों को स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में मुंबई बीजेपी प्रोफेशनल टीम की तरफ से और महासेवा की तरफ से और कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की तरफ से। दोस्तों बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत है दोनों हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि का। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। और हमारी सरकार ने मोदी सरकार ने केंद्र की ठान लिया है कि कोरोना हो ये तमाम जो बाधाएं हैं उनसे किनारा और रास्ता जरूर मिलेगा, रास्ता मिलता भी जा रहा है। तो मॉडल टेनेंसी एक कैसा है क्या है इसके बारे में खास वेबिनार में इस खूबसूरत लाइन के साथ में श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और कौशल किशोर जी का मैं स्वागत करता हूं और इनवाइट करता हूं कौशल किशोर जी को जो हमारे देश के राज्य मंत्री हैं हाउसिंग। और कौशल किशोर जी आपका स्वागत है, प्लीज आए हैं आप इस वेबिनार में, आपका स्वागत है और साथ ही आप अपना प्रबोधन आपका स्वागत जो स्पीच है वो प्रदान करें लोगों को जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं उन लोगों को, साथ में जो इस वेबिनार में जुड़े हैं उन लोगों को आपके मार्गदर्शन की और सरकार किस तरह से देख रही है जो मॉडल टेनेंसी एक्ट सरकार ने बनाने के लिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय कैलाश वर्गीय जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के जो होस्ट है सुनील शर्मा जी उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 जो है इस पर आपने बोलने के लिए बोला है, कैसर बाग एक बहुत पास एरिया है और मैं उधर निकला तो क्योंकि मैं काकोरी के इलाके का रहने वाला तो मैंने वहां देखा लिखा काकोरी कोठी, एग्जांपल दे रहा हूं, मालूम है 6 बीघे में वो उसके चारों तरफ दुकानें बनी थी। मैंने पूछा है किराया क्या है, मालूम है 2 रुपए महीना है, मकान मालिक किराया भी नहीं लेता, खाली करा भी नहीं पाएगा क्योंकि वो उस तरह का कानून था तो कर भी नहीं पाए। तो अब जो है सरकार ने इसमें एक नया एक्ट लाई है, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो लाई है 2021 में, इसके बीच में उस पीरियड में और अभी तक के हो रहे हैं किराएदार और मालिक मकान मालिक के बीच में अक्सर विवाद होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो और चाहे वो कमर्शियल हो, अक्सर विवाद होता है और नतीजा अंत में ये निकलता है कि जो टेनेंटी है वो कहीं ना कहीं किराया या तो देना बंद कर देता है या वो दूसरी बहुत हुआ तो
प्रशासन में किराया अदालत में जमा करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। इसके लिए सरकार ने इस पे सोचा और एक गंभीर निर्णय लेने का काम किया, एक एक्ट बनाने का काम किया कि इस तरह का एक आदर्श किराया कानून बनाया जाए, जिसकी वजह से मकान मालिक और किरायेदार के बीच में विवाद भी ना हो और आसानी से उनको सुविधाएं भी मिलती रहे। इस तरह का एक कानून लेकर के आई है हमारी सरकार। इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत जो मकान मालिक और किरायेदार होते हैं, पहले जो है, बल्कि अभी तक के ऐसा था कि किरायेदार जो है वो, मैं ये कह रहा था कि किरायेदारों के बीच में, मकान मालिकों के बीच में अब भी बड़े विवाद होते हैं। इसके लिए जो कानून आया है, अब ये आया है कि किरायेदार पहले कई कई साल तक के किराया नहीं देते हैं और बाद में एक मुकदमा कर देते हैं। अब ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है कि 2 महीने तक के अगर किरायेदार मकान मालिक को किराया नहीं देता है, तो मकान मालिक का ये हक होगा कि वो किरायेदार से अपनी दुकान या अपना मकान खाली करा ले। ये मकान मालिक को अधिकार दिया गया है। किरायेदारों को भी सुविधा है इसके लिए। इस कानून के तहत अगर मकान मालिक किरायेदार के घर में रिपेयर से वगैरह से कुछ जुड़े हुए काम कराना चाहता है, तो रिपेयर के काम तो मकान मालिक करा सकता है, और इसके लिए उन्हें जो है किरायेदार को 24 घंटे पहले एक नोटिस भी देना होगा, सूचना देनी होगी कि हम इसमें कुछ रिपेयर कराना चाहते हैं। लेकिन नोटिस जो है वो लिखित में देना होगा। लेकिन जो नया रेंट एग्रीमेंट है जो बनेगा, उसके हिसाब से किरायेदार को किसी भी कीमत पे मकान मालिक घर से बाहर नहीं करा सकता, कर सकता किराए मरम्मत कराने के नाम पर भी। पहले होता था कि मरम्मत कराने के नाम पर भी अक्सर कि हमको कुछ निर्माण कराना है, किरायेदार को जो है नोटिस दे दी जाती थी और मरम्मत कराने के नाम पर किरायेदार को खाली करा लिया जाता था, कराने का प्रयास किया जाता था। अब ये छूट जो है मकान मालिक को नहीं है, अगर उनको अपना मरम्मत करानी है मकान में, कुछ निर्माण कराना है, तो 24 घंटे एक लिखित नोटिस दें किरायेदार को कि हमें ये काम करना है, तो अपना वो सामान तरीके से रख लेंगे मगर खाली नहीं करा सकते, उसी में किरायेदार रहेंगे। ये उनको एक सुविधा पूरी तरीके से मिली। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट में रकम होती है, उसमें किराए पर घर लेने के पहले जो है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है। अक्सर होता था कि किराए हैं, दुकानें हैं, पगड़ी है, मालूम हुआ कि कई कई लाख रुपया लेते थे दुकानों की पगड़ी का लेना और या मकान का लेना, उसमें कितने दिनों तक के हम लेंगे और किराया फिर काटेंगे या नहीं काटेंगे, या वापस करने का मामला आता था तो कहते थे कि किराएदार भी कि हम इतना पैसा लेंगे, मालूम हुआ तब खाली करेंगे, दुकान की कीमत बढ़ गई तो मालूम हुआ जितना किराया नहीं मिला उससे ज़्यादा मकान मालिक को वापसी का करना पड़ता था। तो अब इसमें इस सिस्टम को चेंज किया है। हमारी मॉडल जो टेनेंटी एक्ट है उसके लिए जो है कि 2 महीने से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, इससे ज़्यादा किराया नहीं लिया जा सकता, 2 महीने का किराया ले सकते हैं, और इसके लिए जो है दुकानों के लिए। लेकिन जो नॉन रेजिडेंशियल जगहों के लिए जो है, तो ये मकानों के लिए है, जो नॉन रेजिडेंशियल जगह हैं उसमें 6 महीने तक का भी एडवांस किराया लिया जा सकता है अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। अब अगर जगह खाली कराने का मामला आता है कि कैसे खाली करेंगे, तो इसके लिए एक प्राविधान भी बनाया है कि अगर मकान मालिक के रेट एग्रीमेंट जो तय हैं और उनको पूरी शर्तें पूरी किया है, फिर भी कोई भी मकान मालिक या वो किरायेदार रेट एग्रीमेंट जो भी तय हुआ है उस रेट एग्रीमेंट में पूरा कर रहा है किरायेदार, लेकिन फिर भी मकान मालिक चाहता है कि हम वो दुकानें या मकान अपनी खाली करा लें, किरायेदार चाहता कि हम ना खाली करें, तो ऐसे में मकान मालिक 2 महीने का किराया डबल कर सकता है, और फिर भी अगर वो खाली नहीं करते हैं तो मकान मालिक अगले
2 महीने बाद उस किराए का जो मकान किराया है उसको 4 गुना तक कर सकता है। लेकिन इसके पहले, खाली कराने के पहले नोटिस देना होगा किराएदार को। उस नोटिस के बावजूद भी अगर वो नहीं खाली करते तो 2 महीने के बाद किराया डबल, और फिर उसके 2 महीने बाद किराया 4 गुना तक के बढ़ाने का ये अधिकार मकान मालिक को होगा। इस तरीके का जो है एक अधिकार मकान मालिक को देने का काम किया गया है, और इसके लिए नोटिस का लिखित नोटिस या मैसेज किराएदार को देना जरूरी है। तो ये इस तरीके का है। मैं चूंकि अभी जल्दी ही मुझे माननीय मोदी जी ने राज्यमंत्री बनाया है मुझे केंद्र में, और मुझे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट मिला है, उसका मैं MAOS हूँ। तो अभी मैं उसका अध्ययन कर रहा था कई चीजों पे। मुझे एक चीज और अच्छी किराएदारी की है, और वो उन किराएदार लोगों के लिए है कि आप लोग उसको पहले से जानते होंगे कि जो बहुत से किराएदार, जो ऐसे लोग जो गांव से निकलते हैं या दूसरे जनपद से निकलते हैं, मान लिया कि अन्य किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए और वहां पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रहने का ठौर नहीं है, फुटपाथ है या कोई और इस तरीके की जगह है, वो बेचारे अपने जीवन यापन किसी तरह करते हैं, पन्नी डाल के सड़क के किनारे, नहर के किनारे, खाली पड़ी जगहों पर। तो इसके लिए सरकार ने ये किया है, ये जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको अगर सरकार जमीन दे देती है तो, या वो अपनी जमीन पर इन मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं जो काम करने के लिए आते हैं, उनको वो मकान बना करके किराए पर दे सकते हैं। लेकिन ये स्कीम केवल 25 साल तक लागू रहेगी किसी एक के लिए, और उसमें वो हर 2 साल में उसमें जो किराएदार रहेंगे वो टेम्परेरी किराएदार हैं, काम के लिए आए गए, लेकिन अगर 2 साल तक रहते हैं तो जो पहले किराया दे रहे हैं 2 साल के बाद उसमें 8% को किराया बढ़ा सकते हैं, फिर 2 साल बाद 8% किराया बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो 20 साल में या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वो किसी भी कीमत पर 25% से ज्यादा किराया उसको नहीं बढ़ा सकते। जो मूल किराया है उससे 25% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 8% बढ़ाएंगे, दोबारा 8% बढ़ाएंगे, इस तरह का एक बनाया है उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो आकर के रहते हैं। अभी आप देखिए कोरोना पीरियड में 8 करोड़ मजदूरों को उनके अपने घर वापस जाना पड़ा, और वो कहीं ना कहीं टिकते थे, किराए का मकान लेते थे, इस तरह के करते थे। अब इसके लिए एक नियम जो है बनाया है, और इसके लिए लोग अपना मकान बना करके किराए पे दे सकते हैं, बिल्डर्स भी दे सकते हैं, सरकारी जमीन पर भी सरकार से समझौता करके उन पर भी बिल्डिंग बना करके किराए पे दे सकते हैं, या खुद उनकी प्राइवेट बिल्डिंग है तो जमीन है तो उस पर भी बना करके दे सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत से झगड़े बहुत समय से इस बात को लेकर के चल रहे थे कि कम रेट पे लोगों ने किराया देते थे, और कम रेट पे जिनको बेचारों को पैसा मकान मालिकों को मिलता था उन लोगों ने, तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया, मकान मालिक मर गए, बेटे भी उनके किराया नहीं वसूल पाते, और एक तरीके से ऐसा लगता कि वो खुद मकान मालिक हो गए हो, और जो मकान मालिक है वो एक बेचारा गरीब आदमी की तरह उनके सामने जाके गिड़गिड़ाता है और समझौता करने का प्रयास करता है, और तमाम ऐसे समझौते होते हैं अब तक के जिनमें जो है वो जितने का मतलब किराया नहीं होता उससे कहीं डबल और 3 गुना ज्यादा वो लोग उनसे पैसा वापस लेकर के कहीं खाली करते हैं, इस तरीके के समझौते होते थे। लेकिन ये नया जो मॉडल टेनेंटी एक्ट 2021 आया है, ये किराएदार लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा, मकान मालिक को भी लाभ पहुंचाने का काम करेगा। इससे इन दोनों लोगों के बीच में अब जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट इस नए मॉडल टेनेंटी एक्ट 2021 के तहत ही वो एग्रीमेंट होंगे, और जब इस एग्रीमेंट के तहत होंगे, एग्रीमेंट करेंगे इस एक्ट के तहत, तो बाकायदा वो लिखा पढ़ी में होंगे, और जब लिखा पढ़ी में वो एक्ट के तहत होंगे तो उनको मान्य होंगे, दोनों को मानना मजबूरी होगी। तो इससे पहले ही जब कोई चीज एक समझ में आ जाएगी कि किराएदार को कि हम कब खाली कर सकते हैं, हमारा क्या राइट है, मकान मालिक को भी क्या राइट है, ये दोनों लोगों की एक जब पूरी समझ बनेगी,
और इस समझ को लागू करके एग्रीमेंट कराने का काम करेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि दोनों के बीच, मकान मालिक और किराएदार के बीच जो बहुत मतभेद होते हैं वो मतभेद कम होंगे, बहुत बड़े पैमाने पे कम होंगे। कोई जबरदस्ती मतभेद करना चाहता होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे मतभेद कम होंगे। मकान मालिक को अपने मकान मालिक बनने का राइट भी रहेगा, और किराएदार को किराएदारी और अपना टेनेंटी एक्ट का जो एग्रीमेंट है उसके तहत उसको भी अपना काम करने का राइट होगा, अधिकार होगा। ये जो मॉडल टेनेंटी एक्ट 2021 है उसके बारे में मैंने छोटी मोटी बातें आपको थोड़ा बहुत बताने का काम किया है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुना, आप सब बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसमें जुड़े हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का। ये कानून पूरी तरीके से जमीन पे उतरे, इसलिए जो आपके संपर्क में मकान मालिक या किराएदार हों उन लोगों को इस कानून के बारे में बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। कभी कभी लोग जो है ऐसे ही बातचीत किए तो किराया दे दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, और जब कोई एग्रीमेंट लिखा पढ़ी में नहीं करते तो फिर उसमें लोग कब्जा अपना जमाने लगते हैं अपने आप। तो आपके जो भी जानने वाले हों उन लोगों को समझने की जरूरत है, और जो मकान मालिक हैं उनको भी ये बात समझने की जरूरत है कि हम इस नए मॉडल टेनेंटी कानून को जो बना है इसके तहत ही हम एग्रीमेंट करें। किराया किराए पर देने के पहले किराएदार को पूरी बात समझाएं, इसलिए मकान मालिक को इस कानून को समझने की ज्यादा जरूरत है बनस्पत किराएदार के। और जब किराए पर दे तो उस कानून को बाकायदा किराएदार को समझाएं। ये इस आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, और आप भी इसको पहुंचाएंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल। ये जो मतभेद था किराएदार और मकान मालिक के बीच में, ये मकान मालिक के हित में नहीं है, लेकिन वो जो किराएदार है उसको भी समझना होगा कि भाई मेरे अधिकार कितने हैं और मैं बच नहीं सकता हूँ जो भी मेरा। अच्छा मार्गदर्शन किया, और ये एक सक्षम कानून लाया मोदी सरकार ने, और देश में सब मकान मालिक किराएदार सब अपनी अपनी जगह पे ये कानून के माध्यम से मजबूत रहेंगे और हर एक को अपनी अपनी प्रोटेक्शन देंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद कौशल जी। अच्छा अभी हमारे बीच आज विजय कैलाश विजय वर्गीय जी हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है, वो भी जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं मनोज प्रजापति जो इंदौर के, आज जैसे बम्बई में जेके शाह क्लासेस चलता है ना, वैसा इंदौर में उनका प्रजापति क्लासेस है, बहुत ही रेप्यूटेड क्लासेस चलाते हैं। मनोज जी आपका स्वागत है, और मनोज जी अखिल भारतीय प्रजापति संघ कुंभकार संघ महासंघ के चीफ जनरल सेक्रेटरी है, और बहुत ही अच्छा कारोबार बता रहे हैं सर। तो मनोज प्रजापति आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का आप आपके इंट्रोडक्शन करेंगे, ऐसा हम आपको विनंती करते हैं। मनोज प्रजापति जी, मनोज प्रजापति जी। थैंक यू सर, रेस्पेक्टेड पर्सन, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस ऑनरेबल रेस्पेक्टेड एंड ग्रेट इंडियन पॉलिटिशियन श्री कैलाश विजयवर्गीय जी साहब। प्रेजेंट कैलाश विजयवर्गीय जी साहब इज वर्किंग एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। In 2015, he was appointed as leader of BJP in West Bengal by Honorable President Sri Amit Shah Ji Sahab. In 2014, Vijayvargiya Ji was appointed as person in charge of BJP election campaign for Haryana, and party registered its first victory in dynamic fashion, converting 4 seats into 47. It was the great and remarkable leadership of Maninia Kailash Vijayvargiya Ji Sahab. He was now one remarkable thing is that
One remarkable thing about Kailash Vijayvargiya ji sahab is that in recent year 2021, he is listed under the list of top 100 influential person of India. It's a great thing, great achievement for us. He is selected as top 100 influential person of India. It's a great honor for us. He has nominated as president of South Asia Mayor Council in 2003. He leads Indian voluntary organization in World Earth Committee Summit in 2001. And also, Kailash Vijayvargiya ji was elected 6 times as legislator. That means he never lost any assembly election, not a single assembly election. He had worked as a cabinet minister of MP government around 12 years. And in 2014, he was appointed as Minister of Religious Trust, Endowment, Rehabilitation Department. Then he again reappointed as Public Work Minister of MP State. 2005, again, he had served as Minister of Public Work, Information Technology, Science and Technology Minister. In 2006, one again remarkable and extraordinary thing is that United Nations honored Mr. Kailash Vijayvargiya ji for his genuine effort dedicated to goal set up by United Nations for Millennium Development. He was honored by United Nations, and in 2008, again, he was reappointed as Minister of Public Work and Parliamentary Affairs, Union Administration and Development Department. Again, 2007, he got National Goodwill Award. All these achievements are remarkable, and he has started his political career with Bharatiya Janata Party as National General Secretary of Bharatiya Janata Yuva Morcha, then became leader of Gujarat. Dear friends, now I would like to call such an extraordinary, such a talented, such a dynamic, skilled, competent Manini Kailash Vijayvargiya ji. Before that, I would like to surrender 4 lines in honor of Kailash Vijayvargiya ji. Kailash ji to aaj Hindustan ki ek shaan ban gaye hain. Kailash ji to aaj Hindustan ki ek shaan ban gaye hain. Hum sabhi Hindustaniyon ka abhiman ban gaye hain. उनकी नसीहतों में वो जादू सा असर है, जिनको लगी हवा इनकी वो इंसान बन गए हैं, इंसान बन गए हैं। ऐसे हमारे गौरव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं ऑन द डेस्क इनवाइट कर रहा हूँ। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी साहब, बिल्कुल मनोज जी, मनोज ये फरमाए कैलाश विजयवर्गीय जी, प्लीज वेलकम। कैलाश जी आपका स्वागत इंदौरी स्टाइल में करता हूँ मैं आपको, आप रूबरू हुए हैं तमाम लोगों से, तो इंदौरी स्टाइल में आपका स्वागत करता हूं। आपसे मुलाकात तो इंटरव्यू तो होती रहती है, लेकिन आपकी जो बेबाकी है साहब, और आज मैं 22 साल पहले जब इंदौर में पत्रकारिता और अपनी जीवन अपना छात्र लाइफ जिया हूं, तो मैं आपकी उस वक्त जो आप मेयर और इंदौर नगर पालिका महानगर पालिका के लिए वो करते थे फाइट, तो वो बेबाकी और आज की राष्ट्रीय स्तर पर बेबाकी बड़ी ही बड़ी अच्छी लगती है, गर्व होता है। तो आपको इंदौर की स्टाइल में स्वागत करता हूँ, 4 लाइन के साथ में, राहत साहब इंदौरी साहब की स्टाइल है। आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो इमोशन, होठों पे चिंगारी रखो बेबाकी, आंखों में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। आपका सफर अभी तक का शानदार है और आगे का भी बहुत जानदार होगा, शानदार होगा। थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आपका कैलाश जी। जी थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू मनोज जी, और यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्ट को समझाया। अभी हमारे मेरे मित्र बम्बई के मंगल जी, जो कि बम्बई के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं और एक बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, एडवोकेट भरत जोशी जी, समन्वयक सीए श्री शैलेश जी, सीए रमेश प्रभु जी,
मेरे छोटे भाई मनोज प्रजापति जी, जिन्होंने बहुत ही मेरी ज्यादा तारीफ कर दी, शायद मैं इस लायक हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, और उपस्थित सभी इस वेबिनार में जुड़े हुए मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने ये वेबिनार रखी है। हालांकि मैं इसका बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका एक सपना है, हमें जब भी किसी व्यक्ति गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, किंतु मकान गरीब व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, और विशेषकर अर्बन एरिया में। हमारा देश पहले गांव में बसता था, अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में अर्बनाइजेशन 50% हो गया। मध्य प्रदेश में जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, जब मैं पार्षद था, जब यहाँ 17% अर्बनाइजेशन था, आज 32% हो गया। और अर्बन एरिया में नौकरी की तलाश में लोग आते हैं, आने के लिए मकान ढूंढते हैं, मकान मिलता है नहीं मिलता है विवाद चलता है, और इस बहुत ही समस्या में व्यक्ति परेशान होता रहता है। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझा। हालांकि ये स्टेट का अधिकार है, हमारे यहाँ भारत के संविधान में केंद्र राज्य और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों काम करते हैं, पर ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस स्टेट सब्जेक्ट को जब एक्ट बनाने के लिए उन्होंने कैबिनेट में पारित किया तो सारे राज्यों को भी भेजा है। अब सारे राज्यों को इसमें समर्थन करना चाहिए, इसमें आप लोगों के माहौल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बेचारे ऐसे लोग, आजकल एक या दो बच्चे वाला जमाना आ गया है, बच्चे चले जाते हैं नौकरी पे, शादी हो गई, अलग हो गए, बाहर चले गए, सिर्फ मकान मालिक बुजुर्ग लोग रहते हैं, अपनी दैनंदिन के लिए वो किराएदार रखना चाहते हैं। पर किराएदार और मकान मालिक के बीच में कर्तव्य और अधिकार, इसके बीच में न्यायपालिका आती है, और अगर गलती से आपने केस लगा दिया तो पता लगता है कि एक पीढ़ी ने लगाया था और दूसरी पीढ़ी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आता है। और इसलिए जितने सबसे ज्यादा परेशानी यही है, जानबूझ के व्यक्ति मकान किराए से भी नहीं देता, खाली पड़ा रहने दो, पर किराए से नहीं देना क्योंकि किराएदार बाद में परेशान करेगा। इस एक्ट को मैंने छोटा सा देखा, जब मनोज प्रजापति जी ने मुझसे कहा कि इसमें आपको बोलना है, तो मैंने पढ़ा उसको, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें कर्तव्य अधिकार दोनों की बात की गई, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा गया, मकान मालिक के अधिकार की बात भी की गई और किराएदार के अधिकार की भी बात की गई, दोनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं है, जैसा कि अभी कौशल किशोर जी ने बताया कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या क्या करना, मकान मालिक के अधिकार क्या है, किराएदार के अधिकार क्या है, ये सब बातें इसमें बहुत क्लियर की गई है, जिससे कि यदि बाय द वे कोर्ट में जाए तो कोर्ट निर्णय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगे। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच ये है, क्योंकि यदि न्याय देर से मिलता है तो भी ऐसा कहा जाता है कि वो न्याय नहीं है, वो भी अन्याय है। और इस एक्ट के अंदर जो अभी प्रावधान है उसमें इतने सारी परेशानियां हैं जिसमें न्यायपालिका समय पर निर्णय नहीं ले पाती है। राजस्व के जब केस न्यायालय में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक पीढ़ी केस लगाती है और दूसरी पीढ़ी को उसका परिणाम मिलता है। ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने सारी पेंशन का पैसा लगाकर मकान बनाते हैं और किराए को देना चाहते हैं, किराएदार और उनका झगड़ा हो गया, किराएदार ने यदि पैसा देना बंद कर दिया तो वो बुजुर्ग लोग किराएदार से खाली नहीं करा पाते, और पता लगा कि वो दोनों टाटा बाय बाय हो गए और किराएदार उस मकान पे कब्जा करके बैठा, दूसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति उससे केस लड़ रहा है। प्रावधान होने के बाद दोनों के कर्तव्य, दोनों के अधिकार को बहुत डिफाइन किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इससे न्यायपालिका को भी निर्णय लेने में जल्दी होगी। और मेरा ख्याल है कि जब एग्रीमेंट होगा और इसमें लोकल लेवल पर जो अथॉरिटी अधिकार दिए हैं जिले में, जो कि उनको अधिकार दिए हैं कि वो प्रशासनिक लेवल पर ही इसका निर्णय कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक काफी अच्छा है। और ये जब कानून बनेगा और राज्य सरकार की सबकी सहमति बनेगी तो मैं समझता हूँ कि इससे सबको फायदा होगा। और एक बहुत अच्छे विषय पर आप लोगों ने बहस रखी है, इसमें राज्यों में माहौल बनाने की आवश्यकता है। क्या है, आजकल लोग देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। अभी जो
पार्लियामेंट में जो चल रहा है वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिसका कोई आधार नहीं, जिसका बेस नहीं है, उस उन विषयों पर पार्लियामेंट नहीं चल पा रहे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ये अच्छे एक्ट जो बन रहे हैं, अच्छे कानून जो बन रहे हैं, इस कानून में भी राजनीति नहीं हो और इसके लिए नॉन पॉलिटिकल लोगों की समर्थन की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा आपने वेबिनार रखा है, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने अपने राज्यों के अंदर इस कानून को किस प्रकार राज्य समर्थन करें इसके लिए आपको माहौल बनाना चाहिए। इसके साथ ही यदि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वह भी केंद्र सरकार को बताना चाहिए। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे भी अगले कार्यक्रम में जाना है और मैं भी ट्रेवल ही कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी साइड में लगा कर आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि इस वेबिनार के माध्यम से लोगों के सार्थक सुझाव आए, लोग अपने अपने राज्यों के अंदर अच्छा माहौल बनाए जिससे कि ये कानून बन सके, जिसमें मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। एक अच्छे विषय पर आपने सार्थक बहस की है। मैं सुनील जी आपको, मनोज जी जिन्होंने विशेष आग्रह किया कि इसमें आपको रहना चाहिए, और वो मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई की तरह उनका अधिकार पूर्वक उन्होंने कहा कि आपको रहना ही है, उनके आदेश से यहाँ पर आया। आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, सुनने का भी मौका मिला है। पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो इसमें जुड़े हुए हैं, और ये जरूर कहूंगा कि इस एक्ट के बारे में अपने अपने राज्यों में माहौल बनाए और एक सार्थक कानून बने जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक पीढ़ी का झगड़ा दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक चलता है वह कम से कम नहीं हो। एक सार्थक बहस, सार्थक सुझाव केंद्र सरकार तक पहुंचे और एक अच्छा कानून बने, इसी हम सब की इच्छा है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इजाजत भी चाहूंगा क्योंकि मेरा एक अगला कार्यक्रम और 7:30 बजे है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कैलाश जी, बहुत ही बड़ा है, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया और हमें सबको इस माध्यम से माहितगीर किया। और मोदी सरकार ने किराएदार और मकान मालिक दोनों को सक्षम करने हेतु जो कानून लाया उससे आगे वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत ही बड़ा असर होएगा। ये जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, ये यहाँ भी लागू हो रहा है कि हम सब, यानी कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मकान मालिक को ही प्रोटेक्शन, सिर्फ किराएदार को प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोदी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि मकान मालिक, किराएदार, सब कोई इसका बेनिफिट लेंगे, हर एक को फायदा होगा। आगे हमारे बीच में अभी हमारे आज के सर, आप थोड़ा भरत जोशी जी को भी सुन के जाइए, उनका इज अ लीडिंग एडवोकेट इन मुंबई। आज मुंबई में भरत जोशी जी बहुत ही अच्छा, श्री संजय गजरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुलुंद विधानसभा प्रोफेशनल सेल के अध्यक्ष है। संजय गजरा जी को विनती करता हूँ कुछ भरत जोशी जी का इंट्रोडक्शन करें। संजय गजरा जी, संजय जी आर यू ऑन द लाइन? नंदन सिंह जी ने किया मंडी से, सुपुत्र भैया के साथ ही काम करो, आकाश भैया के साथ मंडी में। ठीक है, आप एक फोटो दादा यार, गाड़ी देखी तो रुक गए, फोटो ले लो एक। जी तो देखा आपने किस तरह से एक किराएदार और मकान मालिक के लिए, मकान मालिक के लिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम होती है दोस्तों, और किस तरह से मोदी सरकार ने इस चीज को रखा, राज्यों में किस तरह से इसका समर्थन मिलना चाहिए, एक अच्छी चीज पेश की गई है। तो आगे बढ़ते हुए हम जो आज के हमारे कीनोट स्पीकर हैं, मैं चाहूंगा शैलेश गेड़िया जी जो बीजेपी प्रोफेशनल टीम के हेड है मुंबई के, तो शैलेश जी आज के जो हमारे कीनोट स्पीकर भरत जोशी जी का इंतजार कर रहे हैं लोग। और मैं आपको बता दूं, कुवैत से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, कुवैत से भी राजन जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है कुवैत से, और सैकड़ों लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और हमारे वेबएक्स में भी अभी संख्या पहुंच चुकी है, 100 तक पहुंची थी। तो आप सभी का धन्यवाद, स्वागत है आपका कि यूट्यूब पे सैकड़ों लोग देख रहे हैं प्लस हमारे 100 लोग वेबएक्स पर भी देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आगे भरत जोशी जी को विधिवत इनवाइट करें उनका परिचय के साथ में। शैलेश गेड़िया जी, संजय जी देंगे ना, संजय गजरा, संजय गजरा जी, सीए संजय गजरा जी, प्लीज वेलकम सीए संजय गजरा जी। आज के हमारे रिनाउंड स्पीकर श्री भरत जोशी जी का मैं वर्णन करना चाहूंगा। भरत जोशी एडवोकेट हाईकोर्ट
practicing lawyer in civil laws since 32 years at Bombay High Court. उन्होंने साइंस फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ग्रेजुएशन किया. उसका पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद उन्होंने कमर्शियल और प्रॉपर्टी लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ज्वाइन किया. और एक इंस्ट्रूमेंटल है एक प्राइवेट लोक अदालत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1994 में परमिशन ली थी, वो उनके इंस्ट्रूमेंटल रह चुके हैं. और इज इंटरेस्टेड इन लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेटलमेंट एक्टिविटीज. He is also a supporter of judicial activism and alternate dispute resolution. जिसके वो faculty भी है University of Mumbai में. और वो दूरदर्शन TV channel पर anchor person भी रह चुके हैं. और ये TV program law के ऊपर भी वो anchoring वो अपना वक्तव्य देते हैं. और ये legal column writer है मुंबई समाचार और corporate India के, midday गुजराती और संदेश newspaper में भी. और various social लीगल एड इंस्टीट्यूशन भी वो एसोसिएटेड है. और वो लॉ कमेटी ऑफ इंडियन मर्चेंट चैम्बर से भी एसोसिएटेड है. और रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं. और उनको 2006-2007 में वो एक डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड भी उनको मिला गया जब वो असिस्टेंट गवर्नर रह चुके थे. और अपार्ट फ्रॉम इनके जो प्रोफेशन किसी वो बहुत ही एक रीडर और म्यूजिक लवर भी है. इसके साथ में भरत जोशी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा. भरत जोशी जी आज के हमारे मुख्य आकर्षण है और हमारे कीनोट स्पीकर है. तो तमाम टेनेंसी जो एक्ट है 2021 उसके बारे में बताएंगे. लीगल फॉर्मेट में टेक्निकली क्या है ये एक्ट, आम लोगों को समझ में आना चाहिए. तो श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, चीफ कोऑर्डिनेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री शैलेश गेडिया जी, सुनील शर्मा जी, मेरे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड, एडवोकेट फ्रेंड्स और दर्शक मित्रों, ये जो नया एक्ट है वो 2 जून 2021 को कैबिनेट ने पास किया है मोदी साहब की. और ये सजेस्टिव लेजिस्लेशन है. ये ऐसा कायदा नहीं है कि जो स्टेट के ऊपर या तो राज्यों के ऊपर थोपा गया हो. इसकी डिसीजन अभी राज्य लेंगे, हर एक स्टेट लेगा कि ये एक्ट अडॉप्ट करना कि नहीं करना, या तो किस तरह से अडॉप्ट करना, किस चेंजेस के साथ में अडॉप्ट करना. क्योंकि रेंटल हाउसिंग है वो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में आता है और वो स्टेट की प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है. ये सजेस्टिव फॉर्मेट है और ये सजेस्टिव फॉर्मेट इसीलिए पार्लियामेंट में नहीं गया है, सिर्फ कैबिनेट ने रेकमेंडेशन दिया हुआ है. और ये रेकमेंडेशन 2 जून 2021 को दिया गया है. आप सबको पता होगा कि अर्बनाइजेशन की पोजीशन आज ऐसे हो गई है कि 44 करोड़ लोग आज अर्बन डिफरेंट डिफरेंट अर्बन एरियाज में रह रहे हैं. आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कम से कम 5 या 6 मेगापोलिस माने कि महानगर हो गए हैं. और बहुत से ऐसे सिटीज हैं कि जो 20 लाख से ज्यादा है, बहुत सारे. और हर एक की एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, खास करके लैंडलॉर्ड और टेनेंट की प्रॉब्लम्स अलग तरीके की है. मंत्री महोदय जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का किसी आदमी ने यदि कोर्ट में पाँव रख दिया तो कितने साल चले जाएंगे, शायद एक नई पीढ़ी उसमें लिटिगेट करते करते आ जाएगी. इसकी वजह से ये जो भी नया फॉर्मेट मोदी जी लेके आए हैं उस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है. और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में ऐसे उसके ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत है कि इसको अडॉप्ट करो और ऐसी कोई एक सिस्टम एक्सेप्ट करो कि जो जल्दी से आपको न्याय दिला सके. ये जो नया एक्ट है उसमें 3 बेसिक इश्यू हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. और वो है स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म. ये जो अभी न्याय मिलने की जो सुविधा बनाई है ये नए एक्ट में वो बहुत स्पीडी है, क्योंकि वो उसको क्वासी जुडिशियल बना के रखे हुए हैं. माने कि वो पहले जो हम कोर्ट में जाते थे, अभी वो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं बाद में आपको ये समझाता हूँ. दूसरा है कि प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को. अभी ये कैसे प्रोटेक्ट होगा तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और दूसरा ये रेगुलेटिंग रेंटिंग ऑफ द प्रीमाइसिस, वो कैसे रेगुलेट करेंगे कि जिससे कि दोनों को, लैंडलॉर्ड को और टेनेंट को, दोनों को सुविधा मिल जाए. अभी ये
पहली बेसिक चीज है कि इसमें एग्रीमेंट कंपलसरी कर दिया गया है, एग्रीमेंट इज अ मस्ट और वो डुप्लीकेट होना चाहिए, माने कि एक टेनेंट के पास ओरिजिनल रहेगा, एक लैंडलॉर्ड के पास ओरिजिनल रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें पीरियड लिखा जाएगा। अभी तक हमारी ये एक मान्यता है कि एक बार टेनेंसी लैंडलॉर्ड टेनेंट को दिया तो वो कभी खाली नहीं करता है, मगर इसमें पीरियड लिखा जाएगा कि हम इतने साल के लिए या तो इतने महीने के लिए ये टेनेंट को हम रख रहे हैं, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में रहेगा। दूसरा, रेंट कितना पेमेंट करेंगे, कितना रेंट रिवाइज करेंगे, किस चीज के लिए रिवाइज करेंगे, ये सब टर्म्स ऑफ टेनेंसी लिखी जानी चाहिए। ये एग्रीमेंट बनाना सबसे अहम बात होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल इज अ सुपीरियर थिंग। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड ये बात अच्छी तरह से पकड़ लेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट को सुपीरियर बनाया जाता है तो स्टेच्यूटरी वो डाइल्यूट हो जाता है, और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सुपीरियर बनाया है। जो आपके टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा तो ही आपको रिलीफ मिलेगी, और वो लिखा नहीं है तो वो रिलीफ आपको नहीं मिलेगी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी से। इस तरह से आगे आप हम देखेंगे इसमें कि सिर्फ एरियर्स ऑफ रेंट की बात नहीं है, बहुत सी और भी चीजें हैं। एरियर्स ऑफ रेंट तो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ एविक्शन हो सकता है, सब नहीं हो सकता है, थोड़े से ग्रे एरियाज है, उसके लिए भी बात करेंगे। मगर ये टेनेंटों को क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, टेनेंटों को ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि जो चीज लिखी गई है वो चीज को पूरी तरह से आप अपने अधिकार भुगत सकेंगे, और यदि वो आपने ठीक तरह से एग्रीमेंट बनाया है तो आपको लैंडलॉर्ड कभी खाली नहीं करवा पाएंगे। हाँ, उसमें दो तीन ग्रे एरियाज हैं जो हम देखेंगे। दूसरा है प्रॉपर्टी मैनेजर करके एक नई टर्म लाए गए हैं, और ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। इससे बिल्डरों के साथ मिलकर एक नया मॉडल तैयार हो जाएगा जिसमें ओनरशिप नहीं मगर सिर्फ रेंटल के लिए बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी मैनेजर का जो एक नया टर्म लाया गया है और वो टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट महसूस मुझे लग रहा है। और अभी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो तीन तरह से काम करेगी। सबसे पहली है रेंट अथॉरिटी है, डेप्यूटी कलेक्टर लेवल पे रेंट अथॉरिटी है कि जो रिविजन ऑफ द रेंट या तो फिर और कोई चीज है, छोटी मोटी इसेंशियल सप्लाईज की है, डिपोजिट ऑफ रेंट डालना है, प्रॉपर्टी मैनेजर की ड्यूटी है और ये रिवीजन ऑफ रेंट है, ये छोटी छोटी मामला है, वो डेप्यूटी कलेक्टर के लेवल के ऊपर देखा जाएगा, माने कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और जब रेंट कोर्ट है, जो एविक्शन के लिए आप जाना होगा तो आपको रेंट कोर्ट में जाना होगा, मगर ये रेंट कोर्ट भी हम आम समझते हैं वैसे कोर्ट नहीं रहेगी, वो एडिशनल कलेक्टर लेवल के एग्जीक्यूटिव रहेंगे और वो क्वासी जुडिशियल बॉडी रहेगी, उनके पास एविक्शन करेंगे। रेंट अथॉरिटी के पास में जो भी मैटर होती है उसकी अपील रेंट कोर्ट में जाएगी, रेंट कोर्ट की अपील रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगी, और यहाँ पे जुडिशियरी का रोल शुरू होगा। रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज होगा जो हाईकोर्ट अपॉइंट करेंगे, वो एक जुडिशियल इंटरवेंशन पहले वहां शुरू हो जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में। तो इस तरह से तीन अलग अलग लेवल पे क्वासी जुडिशियल एडजुडिकेटरी सिस्टम लाई गई है। ये सिस्टम यदि पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है मगर अलग अलग तरीके से, जैसे हम बॉम्बे की बात करें या तो दूसरे महानगरों की बात करें, तो इसमें थोड़ा फेर बदल करके लाए तो बहुत इफेक्टिव एडजुडिकेटरी सिस्टम आ सकती है इसके अंदर। अभी इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन सी जगह के बारे में ये है। सिर्फ दो टाइप की जगह जिसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल, ये दो टाइप की जगह के लिए ही ये एक्ट लागू पड़ेगा, बाकी की चीजों इंडस्ट्रियल हो या तो कोई और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो उसके लिए ये नहीं लागू पड़ेगा। दूसरा, उसमें एग्जम्पशन कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रीमाइसिस हो, स्टेट गवर्नमेंट की प्रीमाइसिस हो, लोकल अथॉरिटी की हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, स्टेचुटरी बॉडीज हो और कैंटोनमेंट बोर्ड हो, इसकी ओनरशिप वाली कोई भी प्रीमाइसिस को ये एक्ट लागू नहीं पड़ेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी हो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉई को कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करे सर्विस टेनेंसी का, उसको भी एक्ट लागू नहीं पड़ेगा। रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होगा जो नोटिफाइड करेंगे गवर्नमेंट, तो उसको भी एक्ट लागू नहीं पड़ेगा। और दूसरा, वकफ प्रॉपर्टी, औकाफ प्रॉपर्टी जो वकफ एक्ट में डिक्लेयर की गई है, या तो कोई रिलीजियस ट्रस्ट जो पब्लिक ट्रस्ट है
उसकी भी प्रॉपर्टी को ये एक्ट लागू नहीं पड़ेगा। इससे एग्जम्पशंस रखे गए हैं, मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा हुआ है कि यदि ये एग्जम्प्टेड बॉडीज भी ये कबूल करे टेनेंटों के साथ में कि हमारा एग्रीमेंट ये एक्ट के तहत जाना जरूरी है, तो ये डेफिनेटली इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर आ सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन रख के एक सुविधा दी हुई है टेनेंटों को कि यदि आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लैंडलॉर्ड के साथ निगोशिएट करके इस तरह से काम कर सकते हैं। रेंट अथॉरिटी के पास में जब आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो 2 महीने के अंदर आपको रेंट अथॉरिटी के पास वो रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन माने कि आपको सिर्फ वो फॉरवर्ड करना है और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉरवर्ड करना है। यदि वो आप वो रेंट अथॉरिटी को नहीं देते हैं तो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और रेंट अथॉरिटी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बाकी की डिटेल लेके अपने वेबसाइट के ऊपर ये आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है वो पब्लिश करेगी और आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। माने हर टेनेंसी एग्रीमेंट है वो वेबसाइट के ऊपर आप देख पाएंगे। इससे एक पारदर्शिता आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि ये कौन सी चीज कहाँ है। बहुत सी बात ऐसे देखा गया है कि फ्रॉड भी होता है लोगों के साथ में, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अभी ये इसमें एक प्राइवेसी लॉ का इश्यू खड़ा हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है कि जब भी आधार कार्ड या तो पैन कार्ड की डिटेल है वो गवर्नमेंट किसी और व्यक्ति की डिटेल दे नहीं सकती है। पुट्टुस्वामी के जजमेंट में ये बात आई है प्राइवेसी लॉ में, तो ये बात स्टेट गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी कि भाई किसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल शायद वेबसाइट के ऊपर ना रखी जाए, बाकी की सब डिटेल रखी जाए। अभी ये सोचते हैं कि ये रेंट अथॉरिटी ये काम करेगी और उसकी अपील रेंट कोर्ट में जाएगी या तो फिर उसकी अपील साथ में रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगी, तो किस तरह से काम चलेगा, उसमें कैसे कैसे अपील होगी, रिविजन होगी कि नहीं होगी। और यदि ये मल्टीपल रिविजन और मल्टीपल अपील जैसी बात है तो आज जो सिस्टम है वैसे ही सिस्टम आके खड़ी हो जाएगी। उसके लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल होना जरूरी है और मैक्सिमम 60 डेज में। और एविडेंस जब भी लेना होगा एफिडेविट से लेना होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन करनी होगी, परमिशन मांगनी होगी, जरूरत होगी तो ही दी जाएगी। और जब ये डिस्पोजल हो जाएगा तो वो वेबसाइट के ऊपर वो डिक्लेयर किया जाएगा कि ये डिस्पोजल हुआ है और इस तरह से हुआ है। एग्जीक्यूशन के लिए भी सुविधाएं बनाई गई हैं और वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन सिर्फ 30 दिन के अंदर ही निपटारा करना पड़ेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई भी ऑर्डर होगा एविक्शन का और टेनेंट खाली नहीं करेगा तो उसी दिन से उसको डबल रेंट लगना शुरू हो जाएगा, और 2 महीने के बाद भी वो खाली नहीं करेगा तो उसको 4 times रेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और 4 लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। इससे कि बरसों का बरसों जो एविक्शन ऑर्डर के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है उसके लिए शायद ये सुविधा मिल सकती है उसके अंदर। अभी इम्पोर्टेंट चीज दूसरी देखी कि कौन से पॉइंट के ऊपर एविक्शन हो सकता है। 2 महीने से ज्यादा कोई भी रेंट बाकी रह जाएगा तो एरियर्स ऑफ रेंट की नोटिस दी जाएगी, और 30 दिन के अंदर यदि ये एरियर्स विथ इंटरेस्ट और पिनल चार्जेस नहीं दिए गए तो वो खाली करने के लिए एक ग्राउंड बनता है। अभी इसमें एक और सुविधा दी गई है कि यदि आप रेंट कोर्ट में या तो रेंट अथॉरिटी में जाके डिपॉजिट करना चाहो तो 30 दिन के अंदर कर दो तो आपके सामने खाली करने का ऑर्डर नहीं हो सकता है, मगर ये सुविधा सिर्फ आपको साल में एक ही बार मिलेगी। बार बार आप एरियर्स ऐसे रख के ऐसे फायदा लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो एक ही बार आपको ये डिफेंस मिल सकता है कि आपने 30 दिन में जाके कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कर दिया और वो आपको मिल जाएगा कि एविक्शन नहीं आएगा आपके ऊपर। दूसरा एक टर्म है मिसयूज ऑफ प्रीमाइसिस। इसके अंदर एनक्रोचमेंट है ऑफ एडिशनल स्पेस, न्यूसेंस है, डैमेज टू द प्रीमाइसिस है, और डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये एक बहुत वेग टर्म है। कौन सी चीज को आप डेट्रीमेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड बोलेंगे, उसके टाइटल को या उसकी कोई एक्टिविटी को, किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, इसको मिसयूज के डेफिनेशन में रखा गया है। और दूसरा है इमोरल और इलीगल पर्पस, उसके लिए भी एविक्शन किया जाएगा। यदि लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो कोई कंस्ट्रक्शन करे, रीबिल्डिंग करे, एडिशन ऑल्ट्रेशन करे तो वो आपको खाली करवा सकता है, मगर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी
और वो रेंट पॉट देखेगी कि अनड्यू हार्डशिप टेनेंट को है कि नहीं, या तो लैंडलॉर्ड की तैयारी है कि नहीं कंस्ट्रक्शन करने की, उसके ऊपर रहेगी। और यदि वापस टेनेंट को वापस लाना है उस जगह में रिपेयर करने के बाद में, तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और वो एग्रीमेंट रजिस्टर करने के, रेंट अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर करने के बाद में ही रीऑक्यूपेशन मिलेगा। और एक प्रावधान है कि जो ग्रे एरिया में आता है, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि थोड़े से प्रावधान है कि जिसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत है। सबसे पहला है कि एक चेंज ऑफ लैंड यूज है। कोई भी डेवलपिंग अथॉरिटी जमीन का लैंड यूज चेंज करती है, जैसे कि आज कोई भी लैंड का लैंड यूज रेसिडेंशियल है और उसकी कमर्शियल लैंड यूज अथॉरिटी करती है, तो लैंडलॉर्ड आपको खाली करवा सकता है वो लैंड यूज के लिए और कह सकता है कि मुझे अभी रेसिडेंशियल के लिए टेनेंसी टर्मिनेट करनी है, मुझे अभी कमर्शियल के अंदर यूज करने के लिए देनी है। तो ये एक ग्रे एरिया है, इसमें टेनेंटों को कभी परेशान किया जा सकता है। दूसरा है, जब ये लैंडलॉर्ड चाहते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज और परमानेंट स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, तो वो तो भी वो आपको खाली करवा सकता है। तो ये सब जो ग्रे एरियाज है। दूसरा है, यदि एडिशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं लैंडलॉर्ड, तो वो नया बिल्डिंग बनाने के लिए भी खाली टेनेंटों को खाली करवा सकते हैं। उसके लिए जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए वो अभी एक्ट में नहीं नजर आता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना सकती है, डेफिनेटली बना सकती है। लैंडलॉर्ड यदि चाहते हैं कि ये एक लैंडलॉर्ड गुजर गए और उनके लीगल हेयर आ गए, तो लीगल हेयर यदि ये चाहते हैं कि ये जगह की हमको जरूरत है, तो वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के नाम पे ऊपर वो खाली करवा सकते हैं। पहले ऐसे था कि लैंडलॉर्ड खुद अपनी जरूरत के लिए खाली करवाते थे, अभी वो सुविधा मिल गई है टेनेंटों को कि वो नहीं, मगर उनके लीगल हेयर्स को यदि जरूरत रहेगी तो लीगल हेयर्स ये कहेंगे कि नहीं, हमको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, हमारे पिताजी को नहीं थी, तो हमारे पिताजी ने ये खाली नहीं करवाना चाहा, मगर हम चाहते हैं तो अभी वो खाली करवाना वो जरूरी है। तो सिर्फ इतना ही कोर्ट देखेगी कि अनड्यू हार्डशिप टेनेंट को है कि नहीं, और उसके ऊपर वो खाली करवा सकते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट जो है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का, लैंड यूज चेंज का, इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वैकेंट लैंड कंस्ट्रक्शन, ये तीन चार ग्रे एरियाज हैं कि जो टेनेंटों के अगेंस्ट में यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर मैकेनिज्म दे सकती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी जो एडजुडिकेटरी सिस्टम अभी लाई गई है, मगर रेरा में हमने देखा हुआ है कि एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, रेरा आने के बाद में परिस्थिति ऐसे हुई है कि सिर्फ जो भी खरीदार है फ्लैट का उसको वापस पैसे ले लो, रिफंड ले लो, रिफंड ले लो, अभी तक पजेशन किसी को नहीं दिया गया है। तो एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी जब भी आती है तो उसके ऊपर पूरी तरह से रूल्स बनने चाहिए कि इनको इफेक्टिव एडजुडिकेशन देना जरूरी है। तो वो रूल बनाने, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। दूसरा, इसके अंदर सेटलमेंट के लिए मीडिएशन तो आजकल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, मगर इसके ऊपर भी जरा भी कोई गौर नहीं किया गया है कि क्यों ना सेटलमेंट हो जाए टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो मीडिएशन का भी रेफरेंस इसमें आना जरूरी है। दूसरा है कि हरियाणा जैसे स्टेट ने रेरा में बहुत अच्छा काम किया है और गुड़गांव में बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हुए हैं दिल्ली से। तो इस तरह से यदि क्वासाई जुडिशियल मैकेनिज्म ठीक ढंग से काम करे तो ये 30 या तो 60 दिनों के अंदर, बहुत बहुत तो 3 महीने के अंदर भी इफेक्टिवली काम हो सकता है। इससे जो प्रॉपर्टी मैनेजर का जो मैंने जिक्र किया था, उससे एक नई मॉडल खड़ी हो जाएगी कि प्रॉपर्टी मैनेजर, इन्वेस्टर, टेनेंट्स और एक लैंडलॉर्ड के लिए बनेगी कंपनी की जो मैनेज करेगी, तो एक नई मॉडल खड़ी हो जाएगी कि जो ओनरशिप नहीं, सिर्फ रेंट के लिए ही बिल्डिंगें बनाई जाएगी। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लॉयटेड इन प्रॉपर फैशन। दर्शकों ने भी ऐसे प्रॉब्लम भेजे हुए हैं, एक बीएमसी की मार्केट के लिए भेजा हुआ है कि बीएमसी की मार्केट में यदि बीएमसी चाहती है तो हमें खाली करवा दे या तो हमको सील कर दे, तो कैसे रहेगा और हमारे लिए प्रोटेक्शन क्या रहेगा। तो प्रोटेक्शन तो आज का जो लॉ चालू है उसी के लिए ही रहेगा,
और बम्बई में उसके लिए आपको अपना अलॉटमेंट लेटर और उसके टर्म्स देखने पड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको अपने प्रोविजन करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आज से 10-12 साल पहले बॉम्बे में एक 100 महीने के भाड़े के सामने ओनरशिप राइट्स दिए जाते थे और कायदे से दिए जाते थे, सेक्शन 103B ऑफ माड़ा एक्ट। उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है और आज वो बिल्डिंगें ऐसे ही पड़ी हुई है, ना उसको रिपेयर कर सकते हैं, ना उसमें कोई लैंडलॉर्ड हो सकता है, ना वो डिलिमिटेड कंडीशन में है, वो टेनेंटों को कोई राइट देना जरूरी है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने की जरूरत। दूसरा, बहुत टाइम ऐसे हो रहा है कि लैंडलॉर्ड गुजर गए हैं मगर उनके लीगल हेयर को अपनी बिल्डिंग रिपेयर करने की भी जरा भी फुर्सत नहीं है और टेनेंट ऐसे ही टूटे फूटे मकानों में रहते हैं और उनकी लाइफ को डेंजर हो जाता है। उसके लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। जो कानून अभी लाए गए हैं कि रिपेयर करना जरूरी है लैंडलॉर्ड को, मगर उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर वो जरा भी अंदर कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सजेस्टिव लेजिस्लेशन है, यदि हम हमारे स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर करें और ये बताएं कि नहीं, इसके अंदर जरूरी और भी प्रावधान रखे जाए कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का प्रोटेक्शन करे, तो डेफिनेटली ये जो मोदी जी लेके आए हैं वो फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो जाएगा और डेफिनेटली बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। मैं मानता हूँ आप सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए हो, आप डेफिनेटली ये बात पे गौर करेंगे और ये सोचेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे अच्छी तरह से ये लेजिस्लेशन लेके आता है, तो डेफिनेटली बहुत सी चीजें हो सकती है। थैंक यू वेरी मच भरत भाई जोशी एडवोकेट, जो आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं, खूब खूब धन्यवाद आपका। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से इसे पेश किया है आज जो, और आपने प्रस्ताव और सुझाव सजेशन भी बड़े अच्छे सुझाए, तो वो भी वहां तक पहुंचे हमारा ऐसा मानना है शैलेश भाई गेड़िया के थ्रू। और चैट बॉक्स में मैं देखता हूँ कुछ सवाल हैं। यस सर, एक सवाल है सर, भिमानी साहब का सवाल है, सुलेमान भिमानी साहब एडवोकेट हैं। ओनली 2 मंथ डिपॉजिट विल नॉट कवर लाइबिलिटीज ऑफ द टेनेंट विच ही मे लीव बिहाइंड इफ ही बिकम डिफॉल्टर इन पेइंग रेंट सच इलेक्ट्रिसिटी बिल फोन बिल्स ETC। उनका कंसर्न सही है और जस्टिफाइबल है, वो एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। मैं भिमानी जी से सहमत हूँ। तो ये एक प्रस्ताव और सवाल भी और प्रस्ताव भी है भिमानी जी आपका। एडवोकेट सुलेन भिमानी जी भी काफी अवेयर करते हैं RTI के माध्यम से, तो आपका सुझाव भी है और ये सजेशन भी है। तो मैं चाहूंगा सुलेमान भिमानी जी जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनसे भी सुन लें हम। सुलेमान जी हमारे पैनलिस्ट भी हैं, स्पीकर भी हैं, अलग अलग विषय पे लोगों को अवेयर करते हैं। सुलेमान भिमानी जी, सुलेमान भिमानी जी स्वागत है आपका। Yeah, thank you very much for your kind words for me. Yeah, now it is not only the electricity bill, there can be many other things which you know that the tenant will once he becomes the defaulter, yet. So once deposit is not going to take care of the liabilities which the tenant is going to create. So what is the remedy available to the landlord? The rent tenancy agreement with proper terminology will definitely take care of it, Mr. Bhimani. Okay, no, but suppose if he doesn't pay the rent and he doesn't pay the electricity, rent is inclusive of other charges. I understand. You have to frame the rent agreement in proper fashion. So if you draft the tenancy agreement in proper fashion, then you will definitely have certain surplus amount with you. Sir, Sales Gadia sahab bol rahe hain, leave and license also will प्रोटेक्शन एन श्रीकांत चौहान साहब है वो जुड़े हैं। कैन स्ट्रक्चर ऑन गवर्नमेंट कलेक्टर महाडा एंड लैंड मे बी गिवन ऑन रेंट एदर फुल एंड आर पार्ट प्रोटेक्ट बाय दिस एक्ट। सर, ये कलेक्टर लैंड गवर्नमेंट की जो लैंड है वो स्ट्रक्चर से है। यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो डेफिनेटली ये एक्ट के अंदर उसको लेके आ सकती है, डेफिनेटली हो सकता है। देयर इज एक्सेप्शन provided in that particular section. को मैं जवाब देता हूँ कि लीव एंड लाइसेंस को अवॉइड करने के लिए ही तो ये एक्ट बना है, इसीलिए तो कंपल्सरी मैंडेटरी रिटर्न एग्रीमेंट और पीरियड ऑफ टेनेंसी लिखा जाएगा
कि आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने एग्रीमेंट बनाया है। शैलेश गेड़िया साहब को अनम्यूट करें, हमारे जो सहयोगी हैं। नमस्कार जी। यस यस सर जी। एक तो भरत ने ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि लीव लाइसेंस के बारे में भी बताया। जी जी, तो वो भी आप जरा थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। हाँ जी, मैं करता हूँ। ये लीवे लाइसेंस इस वजह से आया था कि पहले टेनेंसी एग्रीमेंट बनते नहीं थे और लैंडलॉर्डों को कब्जा लेने के लिए 11 महीने के लिए देना था या तो फिर 22 महीने के लिए देना था, फिर बढ़ते बढ़ते वो 5 साल तक चला गया। तो वो अपना एंश्योर, राइट एंश्योर करने के लिए कि मेरी जगह मेरे को वापस मिले, इसीलिए लीवे लाइसेंस करके एक अरेंजमेंट बनाया गया था। वो टेनेंसी नहीं थी, वो टेनेंसी से थोड़ा कम था और इसीलिए इफेक्टिव हुआ था। मगर अभी जो नया कानून जो आ रहा है उसके अंदर तो पीरियड ही लिखा जाएगा कि कितने पीरियड के लिए टेनेंसी आप दे रहे हैं, तो आपकी प्रोटेक्शन वहीं पे ही हो जाती है। समझो कि आपने लिखा कि 5 साल के लिए ही मैं ये जगह भाड़े से दे रहा हूँ, 10 साल के लिए दे रहा हूँ, एक साल के लिए दे रहा हूँ, जो आप चाहें। वो दोनों पार्टियों के बीच में तय होगा कि कितने साल के लिए आप दे रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन है वहीं पे। जैसे ही आपका टर्म खत्म हुआ और वो खाली नहीं करेंगे तो 2 महीने के बाद डबल पेमेंट करेंगे, 4 महीने के बाद में 4 गुना पेमेंट करेंगे। दिस इज द लॉ एज इट इज सजेस्टेड। कौन आदमी, जो ये कानून है महाराष्ट्र, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कानून बनेगा? हर एक स्टेट के लिए अलग बनेगा, मगर इसको फॉर्मेट करके यूज करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बाकी स्टेट जैसे रेरा में हुआ है, हर एक स्टेट ने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए हैं मगर बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहा हुआ, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। जो एनोमलीज हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा गेड़िया जी अपील जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु रेंट कंट्रोल एक्ट से आती है सबसे ज्यादा अपील। और इसमें ही मेगापोलिस और बड़े बड़े शहर यही स्टेट्स में है। तो जब वो लिटिगेशन आपको अवॉइड करना है तो आपको इस तरह से ऐसा एक्ट होना चाहिए कि जो हर स्टेट में बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहे, वो स्टेट की जरूरत के हिसाब से वो चेंजेस थोड़े बहुत हो। अभी बॉम्बे की जरूरत कुछ और होगी जो सेम चीज वहाँ पे नागपुर या पुणे में नहीं होगी, इस तरह से वो चेंजेस होना चाहिए। बदलाव जरूरी है, जहाँ जिस शहर की जैसी रिक्वायरमेंट्स हो, जिस स्टेट में जो चीजें चल रही है तो वहाँ पे जो हो सके वो ऐड करना चाहिए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर हैं, क्यों हाँ। आप महाराष्ट्र के लिए एक लॉ फ्रेम करें कि क्या होना चाहिए और अपने बीजेपी के लेजिस्लेटर को जाके क्यों नहीं कहते हैं कि ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करो कि ये कायदा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है और इस तरह से इस चेंजेस के साथ में बॉम्बे की ये जरूरत है, इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। WIRC को तमाम जो पदाधिकारी हैं या हमारे जो सीए मित्र मौजूद हैं उनको ये पहल करना चाहिए और इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, हमारी एक परंपरा है कि हम जो वेबिनार होते हैं उन वेबिनार में हमारे जो कीनोट स्पीकर है और तमाम जो वेबिनार हुआ वो कैसा लगा, तो हम इन्वाइट करना चाहूँगा लाइक मालदार हैं मुंबई से, पार्टिसिपेट भी है हमारा रेगुलर 1-1.5 साल से, ये वेबिनार कैसा लगा हमारे कीनोट स्पीकर भरत जोशी जी का स्पीच और उन्होंने जो अवेयर किया नया जो मॉडल टेनेंसी एक्ट, कैसा लगा आपको, आपको कितना अवेयरनेस मिला इसमें, कितना एजुकेट हुआ? जी सविता जी, मैं भरत सर को मैं 100 में से 90 मार्क्स देना चाहूंगी, उन्होंने एक्सीलेंट वे से समझाया। 10% उनका सजेशन है तो 100% हो जाएगा। यस, बट एक्सीलेंट समझ में आया जो भी उन्होंने समझाया वो। बिल्कुल सविता जी, तकलीफ ये थी कि मेरे को 45 मिनट्स दिए गए थे और फिर मुझे 20 मिनट में खत्म करना था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। तो आपको बहुत ही संक्षिप्त में समझाया था, मगर अभी जो मैंने सजेशन दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करते हुए क्या होना चाहिए, तभी इसमें डिटेल से बात होगी, डेफिनेटली हो। WIRC यदि कदम उठाता है तो बहुत सारी चीजें इसमें और अच्छी देखने को मिलेगी मॉडल टेनेंसी एक्ट में, और हमेशा उठाता है सर। भरत जी, WIRC इस तरह के रेरा के तमाम नए इश्यूज, प्रभु सर बहुत सारे अभी बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी रेरा के बारे में,
मैं चाहूंगा तमाम सभी लोगों के सवाल हो गए। और आज दोस्तों ये YouTube का कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था, लेकिन ये वीडियो आपको एडिट होके एडिट वर्जन से हमारे सहयोगी जो एडिटर है वीडियो एडिटर अविनाश शिंदे, इसको एडिट करके भी देंगे, तो आप सभी को लिंक में मिल जाएगा। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया चैट बॉक्स में, तो कृपया मुझे मैसेज करें इस वीडियो के लिए, ताकि वो शैलेश भाई तो पहुंचाएंगे अपने ग्रुप में, मैं भी आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो आज के लिए हमारे अवेयरनेस हमारे फैलाने के लिए एजुकेट करने के लिए तमाम यस भरत जोशी जी को खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू, आभार खूब खूब। शैलेश भाई घेड़िया जी, आप प्रोफेशनल बीजेपी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करें सबका। हमारे साथ GSTPM एसोसिएशन के आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े ना, तो उनको उनको भी कुछ बोलना है। और दूसरा दुबई से प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको दोनों को जरा अनम्यूट करवा दीजिए। मुंबई से सर आपको दुबई मुंबई का सलाम, आपको पहले किया था मैंने आपको, आप दुबई से दुबई में बैठे हैं। आलोक जी जी बताइए, प्रजापति जी दुबई में है, तो उनको आलोक जी के बाद में इनवाइट करेंगे। जी आलोक जी स्वागत है आपका। आलोक जी नमस्ते सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गेडिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और भरत जी, बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया इसके ऊपर। मेरी खाली दो तीन पॉइंट इसके ऊपर है। एक तो जो बताया गया है कि डिस्पोजल जो 60 डेज के अंदर होने वाला है, और उसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है कि अपनी जो जुडिशियरी है यहाँ के, आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ पे जुडिशियल मेंबर बहुत कम है, तो उनको इनको इसमें लागू करना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी उनको इसके अंदर लावे, बहुत सारे जुडिशियल मेंबर जो है यहाँ पे अपॉइंट करके, तो ही आके ये डिस्पोजल 60 डेज के अंदर हो सकता है। बिकॉज अभी भी आज की तारीख में भी कोर्ट में जुडिशियल मेंबर जो है बहुत कम है, और इसे बहुत सारी अपील अभी भी पाइपलाइन के अंदर है। तो ये मॉडल एक्ट के अंदर मेरा सुझाव है कि इवन स्टेट महाराष्ट्र के हिसाब से कि भाई जुडिशियरी मेंबर को और ज्यादा अपॉइंट करे गवर्नमेंट, सो दैट ये केस जो है विद इन 60 डेज हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने बताया रिगार्डिंग एग्रीमेंट के ऊपर की, एग्रीमेंट की टर्म्स जो है वो वही एक बेसिकली जरिया है जिससे इनिशियल लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये केस कैसा मजबूत है। बिकॉज द रेंट एग्रीमेंट जो ये मॉडल लॉ में आया है बहुत ही अच्छा है कि भाई जो भी लैंडलॉर्ड है या तो फिर टेनेंट है, उनको जो एग्रीमेंट बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। जो नेचुरल कैलामिटी है, अभी तो कोविड चल रहा है, यानी आगे की भी फोरसाइट लेके भाई नेचुरल कैलामिटी है कि भाई आपका आगे का क्या बिजनेस लुकआउट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे है, ये सब सोच के बनाना है। बिकॉज इसके ऊपर ही ये पूरा दामोदर आ रहा है कि अगर एग्रीमेंट प्रॉपर रहेगा तो ही लैंडलॉर्ड या ये जो टेनेंट है वो फायदे में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, पर इसको भी उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए कि भाई एक नोटिफाइड टर्म्स यानी कॉमन टर्म जो एग्रीमेंट में रहते हैं, कीपिंग इन माइंड द स्टेट में जो आपदा आती है या बेसिक प्रॉब्लम जो टेनेंट है लैंडलॉर्ड जो फेस करते हैं, वो स्पेसिफिक टर्म या कॉमन टर्म वो एग्रीमेंट में होने ही चाहिए दोनों के साइड से, तो दोनों को ये फायदा हो सकता है, ये मेरा सुझाव है। दूसरा जो बताया है कि लीगल हेयर जो कभी भी ये नोटिस दे सकता है टेनेंट को, बिकॉज उनके अगर पिताजी नहीं है और उनको ये चालू नहीं रखना है, मेरा सुझाव ये है इसके अंदर कि सर लीगल हेयर्स को भी एटलीस्ट मिनिमम एक कायदा होना चाहिए कि भाई 6-7 महीना या 1 साल या वट एवर टर्म्स हैज टू बी डिसाइड कि विद इन दिस टर्म ओनली दे हैव टू वैकेट। अगर आज मैं लीगल हेयर बनता हूँ और बोलूँ कि भाई 1 महीने के बाद खाली कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर टर्म्स डिफाइन होना चाहिए कि भाई एक 5-6 महीना या ऑन दैट लाइन के थ्रू टेनेंट जो है वो दूसरा घर भी संशोधन कर सके उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक टर्म भी प्रॉपरली हाईलाइट होना चाहिए मॉडल टर्म के अंदर, टर्म्स फाइंड होना चाहिए लीगल हेयर के लिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि कल लीगल हेयर फॉर एग्जाम्पल रहता है अमेरिका में है, आके बोलेगा आप खाली कर दो, यहाँ के बड़े बड़े वकील को ये पकड़ लेगा, पैसा दे देगा और ये बात में एक मुकदमा चालू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एक लीगल हेयर का भी टर्म आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई मिनिमम आपको टर्म रहना चाहिए, या तो वेन एवर यू आर मेकिंग द एग्रीमेंट ऑन दैट टाइम ओनली दैट लीगल हेयर हैज टू बी डिफाइंड। Suppose if I am not available for after 2-3 years during the agreement in force, then my legal has right कि भाई उसको 6-7 महीना और दो या ये term दो, तो that type of thing I think make it very flexible for the tenant। ये मेरा एक सुझाव है। दूसरा है कि structural report जो आपने बताया भरत जी काफी अच्छा बताया कि भाई बहुत सारे मकान हैं जिसके हालत बहुत खराब है, और उसमें क्या होता है कि अपने जो ये क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड है वो रिपेयरिंग करवाते नहीं है, बिकॉज उनको या तो पड़ी नहीं होती है या तो वो किधर उनको कि भाई कहाँ ये खर्चा करवाए,
तो मेरे हिसाब से इसमें मॉडल लॉ में और एक चीज होती है कि बिफोर लैंडलॉर्ड अगर ये टेनेंट को देता है उसका स्ट्रक्चरल नॉलेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल नॉलेज मकान का प्रॉपर है या रिपेयर प्रॉपर है देन ओनली ही इज अलाउड टू गिव द प्रॉपर्टी ऑन अ रेंट टू द टेनेंट। तो क्या ये दोनों वे से टेनेंट को भी एक फायदा हो जाता है कि भाई ये स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बराबर है कि नहीं, ये बिल्डिंग में अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं घर लेता हूँ या कमर्शियल ऑफिस लेता हूँ तो वेदर दिस इज अ गुड कंडीशन और नॉट। बिकॉज क्या होता है बार बार ये बिल्डिंग 50 साल पूरी होती है और टेनेंट को क्या हो जाता है कि भाई चाहिए प्रॉपर्टी, तो ये एक आवेश में वो लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं एंड आफ्टर वन ईयर और टू ईयर लीकेज चालू हो जाता है और ये सब चालू हो जाता है। मेरे हिसाब से सुझाव में स्ट्रक्चरल वाली जो है रेंट एग्रीमेंट यानी ये बिफोर टू गिव द रेंट एग्रीमेंट स्ट्रक्चर वाली करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप रेंट एग्रीमेंट सकते हो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर नॉलेज। तो ये सुझाव मेरे थे और बाकी तो आई थिंक आप भरत भाई ने बहुत अच्छा बताया है और बहुत ही संक्षिप्त में अच्छे काम की उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर रिकग्नाइजिंग मी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द जीएसटी पीएम बाई शैलेश गरिया जी एंड सुनील जी। और ओनली लास्ट थिंग बोलूंगा, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कायदे रहते हैं, कोई कोई में तो अपने बॉम्बे में तो घर रहता है, इधर डिस्ट्रिक्ट में बंगलो रहता है, यानी उस हिसाब से एक मॉडल फ्री होना चाहिए स्टेट में कि भी हर एक लाइक यू नो बिल्डिंग जैसे बंगलो है बिल्डिंग है यानी एक स्मॉल पैमाइश है, उस हिसाब से कायदा बनना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए। और ओनली लास्ट थिंग जो ये मेजर थिंग जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, आई थिंक ये इधर मेरा रिजर्वेशन है। एवरी गवर्नमेंट प्रीमाइसिस एवरी इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसिस जो रेंट पे जा रही सबको कवर करना चाहिए, बिकॉज बाद में क्या हो जाएगा इट इज टू बी यूनिवर्सल, दिस मॉडल लॉ शुड बी यूनिवर्सल टू द इंडिया कि भाई सारे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट भी लैंड भाड़े पे लेती है गवर्नमेंट भी प्रीमाइसिस लेती है और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इतना बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट होता है कि मंदिर बनाते हैं पैसा बहुत है पर उनको किसी को भी हमें किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। Everybody has to follow the discipline of the model law, so that क्या हो जाएगा कि एक uniform uniform rent एक बनेगा model law बनेगा और उसकी इसका जो इसका संविधान है सबके लिए अच्छा हो जाएगा। This is only I want to convey to you. Thank you so much once again to all. बिल्कुल आलोक जी धन्यवाद, आपने सही फरमाया कि स्टेट का जो स्ट्रक्चर है भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, आसाम की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, मध्य प्रदेश की, निश्चित ही वो एड जो एड होने चाहिए ये मॉडल टेनेंसी एक्ट में स्टेट के हिसाब से भी, और वो जब एक फार्मूला बनेगा तो वो सभी के लिए विन विन वाली सिचुएशन होगी। अब मैं इनवाइट करता हूँ दुबई से सीए मनोज प्रजापति जी। मनोज जी आप अपने आप को अनम्यूट करें सर, तो मैं इनवाइट करता हूँ फिर एक बार फिर से उनके मनोज जी के दर्शन हुए उसके लिए शुक्रिया और स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, मेरा नाम राजेंद्र धामणे है। मैं तो सभी मेंबरों का धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मुझे पहली बार ज्वाइन किया और मैंने इंडिया में मेरे इंदौर में मकान है, उज्जैन में मकान है, मैं किराए पे नहीं दे पा रहा हूँ इसके कारण डर के मारे। अभी मोदी जी ने जो करा है अच्छा किया है, इसके कारण मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली और मैं इंक्वायरी करने के बाद ही किराए पे दूंगा, क्योंकि उज्जैन में एक मकान मैंने किराए पे दिया था, किराएदार ताला लगा के भाग गया। हम तो कुवैत से जा नहीं सकते कि उसको ढूंढ ढांड के कैसे थे सब ने खाली कराया। अब मैं इंडिया में इंदौर में अगर कोई दुकान किराए पे लेता हूँ तो वो एक साल का एग्रीमेंट कराता है 11 महीने का, मैं तो जमाते जमाते ही मुझे एक साल लगेगा, उसके बाद वो कहेगा खाली करो तो कैसे होगा, इसके पीछे कोई संशोधन हो तो बताइएगा। वो मेरा आपके साथ यही निवेदन है भाई साहब कि मुझे आपने एड किया है, मैं अभी तो बिल्कुल नया हूँ इस मैटर में, मगर आपसे आगे आगे जानकारी लेता रहूँगा, हर बार की इंक्वायरी में आपसे करता रहूंगा। बिल्कुल राजन जी धन्यवाद आपको, आपका स्वागत है। मैं सबका धन्यवाद फिर से अदा करना चाहता हूँ, मनोज जी का, केला जी, अपने विजय वर्गीय साहब, मैं भी इंदौर का हूँ, मैं बचपन में काफी टाइम हमने देखा है उनको, क्योंकि मैं भी परदेसीपुरा एरिया में ही रहा हुआ हूँ, इसके लिए अभी तो शालीमार में आ गया या कुवैत आने के बाद 25 साल से ऊपर हो गया मेरे को कुवैत में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मेरे को बस एक दो ही पॉइंट है मेरे की, मेरे मकान किराए पे दूं तो उसकी रिस्क कौन उठाएगा, और दूसरा ये कि मैं दुकान होगा ले रहा हूँ तो वो कहता है कि मुझे ऑनर की भाई तुमको 11 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं 11 महीने में तो दुकान चालू होगी, कस्टमर बैठेंगे मेरे, तो वो तो बोलेगा खाली करो, तो इस रिस्क में ना सेल कर रहा है वो। भरत भाई जोशी जी जरा दुबई से हमारे राजेंद्र जी जुड़े हैं, राजेंद्र धामणे जी, इनको इनको थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस विल पावर बढ़े इनका, अभी
निश्चित ही मॉडल टेनेंसी एक्ट अपने अपने स्टेट में बहुत सारे चीज ऐड होगी, लेकिन इस बारे में क्या विश्वास दिलाएंगे सर? तो अभी फिकर की जरूरत नहीं है, ये अभी कुछ महीनों की बात है कि हर एक स्टेट में ये मॉडल टेनेंसी एक्ट के ऊपर से जो नए नए रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन होगा तो आएगा। आप एमपी से हैं तो मेरा तो ये मानना है कि ये मोदी जी दिल्ली में है तो एमपी में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी ये मॉडल टेनेंसी एक्ट को, तो आपको तो बहुत जल्दी ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 जल्दी ही जहाँ पे भी सरकार इसको, मैं तो बोलता हूँ निष्पक्ष पार्टी किसी की भी हो लेकिन एक अच्छा कानून है, उसमें और एड नई चीजें एड करके महाराष्ट्र हो कहीं पे भी हो तो एड करके इसको जल्दी से फॉलो अप करना चाहिए। यस सर, गजट की जानकारी कहां से मिलेगी हमें पूरी कि क्या अमेंड हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए कोई लिंक हो तो बताइएगा। भोपाल से कॉपी मिल जाएगी आपको मध्य प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट करके। बराबर, लिखूंगा, मेल करूंगा उनको कल, देखता हूँ इंक्वायरी करके, कल तो संडे है शायद, परसों करूंगा मंडे को। और आप मनोज प्रजापति जो है आपके मित्र हैं, हमारे बहुत कजन है, रिलेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके रिलेटिव भी हैं, हमारे भी हितेशी हैं, तो उनको भी संपर्क कर सकते हैं आप सीए मनोज जी से। धन्यवाद आपका राजन धमले जी, आप दुबई से जुड़े और ये पूरे वेबिनार को आप इत्मीनान से सुने, निश्चित ही आगे इस कानून का लोगों को फायदा हो। चैट बॉक्स में मेरा नंबर शेयर किया, धन्यवाद राजन जी, धन्यवाद आपका और आप सभी का धन्यवाद। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, शैलेश जी से पहले हम आभार प्रकट करवा दें आज के पूरे वेबिनार का, प्रोफेशनल सेल बीजेपी की तरफ से और कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की तरफ से। शैलेश गेवरिया जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारे सब आज के मुख्य अतिथि कौशल किशोर जी का, कैलाश विजयवर्गीय जी का और हमारे मुख्य वक्ता एडवोकेट भरत जोशी जी का। बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में, कम वाक्यों में उन्होंने कम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच एडवोकेट अंजना सोलंकी जी है जो दहिसर विधानसभा मुंबई प्रोफेशनल सेल की अध्यक्ष है, तो उनको मैं निवेदन करूंगा वोट ऑफ थैंक्स करें, उनको आप अनम्यूट कीजिए। और संजीव पटेल जी गुजराती सेल के, उनका भी हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हो। शैलेश गेड़िया जी ने विशेष करके मुंबई के रहवासियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, सवाल जवाब भी काफ़ी आए जिसमें लोगों को जानकारी मिली। सुनील शर्मा जी का तो हम सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वो कंडक्ट करते हैं सभी वेबिनार मीटिंग, कोई मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो। तो मैं सबसे पहले तो श्री विजय वर्गीय जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जोशी जी का खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सभी जो नागरिक आए सुनने के लिए, समझने के लिए, उन्होंने बहुत ही सरलता से जो समझाया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और कैलाश वर्गीय जी हो गए, जोशी जी, कौशल किशोर जी जो पहले आए थे, उनका भी मैं बहुत व्यक्त आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सभी ने समय निकाल के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर समय दिया, और आप सभी ने सुनील शर्मा जी, अपने शैलेश गेड़िया जी, तो हमेशा मतलब ऐसे कार्यक्रम जितना जब भी करते हैं अच्छा एक मार्गदर्शन मिलता है, जानकारी मिलती है और एक समय का उपयोग भी होता है। मैं सभी लोगों का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँ और श्रोताओं जिन्होंने इस समय देकर ये सुना और जानकारी प्राप्त की, और आशा करता हूँ कि आगे के ऐसे कार्यक्रमों में भी आप जुड़े रहेंगे तो शैलेश गेड़िया जी को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह से अब एक दूसरे से मिलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आप सभी को धन्यवाद और आप सभी का शुक्रिया इस खूबसूरत लाइन के साथ में। तमाम जो हमारे चीफ गेस्ट और तमाम जो पार्टिसिपेट है, संजीव पटेल जी, तमाम शैलेश गेड़िया जी, भरत जोशी जी, तमाम जो दुबई से हमारे जो दोस्त जुड़े कुवैत से, राजन जी, इस खूबसूरत लाइन के साथ में सर, मोटिवेट लाइन के साथ में, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, मैप मैप, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।